नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं, कोई गाय भैंस के पैर में मोच आ जाती है, मोच चमक जिसको बोलते हैं, चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, उसको रोकने का। और तीसरा, कोई कील काटा गड़ जाए पैर में और वह इस स्थिति में होके निकलने न पाए, तो इन तीनों ही चीजों के लिए आज देसी फार्मूला हम बताएंगे, देसी नुस्खे आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। और तीनों ही चीजों को एक साथ कवर करने का प्रयास किया और बड़े कारगर उपाय हैं दोस्तों ये, मोच का, खून बहने का और पैर में कील काटा गड़ने का। तो दोस्तों आइए, और ये सारी चीजें हमारे अपने डेयरी फार्म पर या अपने घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। एक दो चीज हो सकता है कि बाहर से पंसारी से खरीदनी पड़े। तो दोस्तों आइए, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने इस चैनल को दिया, सब्सक्राइब शेयर और लाइक किया। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले मोच आने की, जिसको चमक भी बोलते हैं कई क्षेत्रीय भाषा में, और हो सकता है अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग ढंग से इसका इलाज हो, लेकिन ये जो दो नुस्खे मैं बताऊंगा दोनों बड़े ही कारगर हैं। मोच का मतलब होता है कि पैर में कुछ गड़ा भी नहीं, नहीं कहीं से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा, और पशु लंगड़ाता है, चल नहीं पाता है, उसके पैर में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों उसके लिए बड़ा ही साधारण है और बहुत ही कारगर है, 200 ग्राम हमें सरसों का तेल लेना है, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, और 50 ग्राम साधारण नमक, जो अपना सफेद नमक होता है, उन दोनों चीजों को कढ़ाई में डालकर खूब गर्म कर लें। जब वो उबलने लगे उसके बाद उसको नीचे उतार कर ठंडा करके पशु के पैर में जहां भी वो मोच है, जहां भी वो सूजन आई हुई है, वहां पर उसकी मालिश कर दें। बड़ा ही कारगर है, बड़ा ही काम करता है। और दूसरा जो नुस्खा है वह यह है कि आपको पंसारी के पास से लेकर के आना पड़ेगा नौसादर 25 ग्राम और सेंधा नमक 25 ग्राम और पानी 400 ग्राम। इन दोनों चीजों को पानी में मिलाकर उस स्थान पर कपड़े कपड़ा लेकर कपड़े से उस स्थान पर सिकाई कर दें, उस स्थान पर लगा दें, और उसके लगभग 20 मिनट बाद तारपिन का तेल लेकर, यह भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है, उससे मालिश कर दें। दोस्तों मुश्किल से 1 से 1.5 दिन में ही पशु की मोच ठीक हो जाती है और पैर का दर्द ठीक हो जाता है। दोनों ही बड़े कारगर उपाय, इन दोनों में से कोई एक हमें करना है। सरसों के तेल वाला करते तो वह एक करना है, उसके बाद तारपिन के तेल की मालिश कर सकते हैं, दूसरा नौसादर, और यदि वो करते हैं हमें सेंधा नमक, इन दोनों में से कोई एक उपाय हमें करना है। और दूसरा दोस्तों, पशु के पैर में चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, यदि घाव बहुत गहरा है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और खून रोकने के लिए दो उपाय हो सकते हैं, तीन तरह की बातें हैं, तीनों ही बड़ी कारगर हैं। सुहागा जो पंसारी की दुकान से मिलेगा आपको, उसको भूनकर कच्ची अवस्था में नहीं, जहां पर खून निकल रहा उस स्थान पर यदि हम लगा देते हैं तो बहता हुआ खून अपने आप रुक जाता है। और दूसरा खून रोकने का फिटकरी, जिसको इंग्लिश में एलम भी बोलते हैं, फिटकरी को पानी में घोलकर बहते हुए खून पर यदि हम लगा देते हैं तो वह भी बड़ी कारगर है, उसको बहते हुए खून को रोक देती है। और तीसरा जो पुराना कोई सूती कंबल, ये सिंथेटिक नहीं, सूती कंबल होना चाहिए, उसको जलाकर उसकी जो भस्म बनती है, जो राख बनती है, उसको भी बहते हुए खून पर यदि हम लगा उसको भी यदि हम लगा देते हैं तो बहता हुआ खून रुक जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये तीन नुस्खे खून को रोकने के लिए थे। और यदि घाव जख्म बहुत गहरा है तो डॉक्टर से सलाह करें, संपर्क करें, यदि कहीं टाके लगने जितना कट है तो खून तो इस चीज से रुक जाएगा, और यदि कोई छोटा घाव है तो वह इससे ठीक भी हो जाएगा। और तीसरी जो बात है, पैर में कील काटा, कोई लोहे की छड़, ऐसी चीज लग जाए जो दिखने में नहीं आती हो, जो निकालने से दिखाई नहीं देती और उसे निकाल पाना भी मुश्किल हो, तो दोस्तों उसके लिए बड़ा ही कारगर उपाय है, 1 से 2 पट्टी में उसको ठीक कर देगा। इसके लिए हमारे लेना क्या क्या है, 25 ग्राम हमें लेनी है राई, ये सरसों नहीं है, सरसों पर की प्रजाति की है, राई तारामीरा ये उसी प्रजाति की फसलें हैं, सरसों के दाने से छोटा इसका दाना होता है। राई हमें लेनी 25 ग्राम,
और शुद्ध शहद 15 ग्राम हमें लेना है। इन दोनों को आपस में मिलाकर, ये राई शहद में मिलाकर, हमें जहां पर ये शक लगता हो कि यहां वो चीज हो सकती जो दिखाई नहीं दे रही, वो कांटा भी हो सकता है, कोई लोहे की छड़ भी हो सकती है, उसके ऊपर इसको अच्छे से लगा दे। और यदि बांधने की जगह है तो आप उसके ऊपर पट्टी से इसको लगाकर बांध दें। एक या दो पट्टी में ही वह दर्द ठीक हो जाएगा, वह चीज निकल जाएगी जो उसमें लगी हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार पशु के पैर दर्द की ये तीन चीजें थी, तीन बातें थी, चोट, मोच और कोई कील कांटा लगने की। इन तीनों के बड़े ही कारगर ये देसी उपाय हैं जो आपके साथ शेयर किए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह आम पशुपालक के साथ ये समस्या आ जाती है। और आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने इस चैनल को दिया। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।